हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एप्टीट्यूड के बारे में। आप लोगों को जैसे भी पता है कि जो एप्टीट्यूड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर। आजकल कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारा मैथ एंड एप्टीट्यूड आता नहीं है। तो ये पोर्शन आप लोगों का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इससे आप अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छा एनहेंस कर सकते हो और क्या बढ़ा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सबको ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड तो हमें नॉर्मली आता ही है, आता सभी को है, बट क्या होता है एप्टीट्यूड में जो चाहिए होती है वो स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस एप्टीट्यूड में आपने टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर दिया अगर एप्टीट्यूड के अंदर, तो आप क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वैसे भी आपको पता है किसी भी एक सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल पर्सन में सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है, आंसर दोनों को आता है। सक्सेसफुल जो होता है या अनसक्सेसफुल होता है दोनों को आंसर आता है, बट सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं उसी को एक स्मार्ट वर्क से सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है वो टाइम एफिशिएंट हो जाता है, वो अपना पूरा पेपर अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं और एरर होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी एप्टीट्यूड की जो इस एप्टीट्यूड है उसको आप स्पीड को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि आप कंप्यूटर से भी तेज होने वाले हो। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट किसके लिए। हम बात करेंगे पहले मल्टीप्लीकेशन के लिए। जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन अब कोई भी एप्टीट्यूड का ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन की नीड नहीं पड़ती। मल्टीप्लिकेशन आता है, सभी लोगों को आता है, बट क्या है कि हम उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन करने में हमारी स्पीड को डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना है उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे कि मैथ की जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही ईजिली टिप्स पर, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इतनों का स्क्वायर हमें याद रखना पड़ रहा है, आपको कोई भी स्क्वायर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या है, मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उन ट्रिक्स से आप करोगे तो आप विद इन सेकेंड्स में, दो सेकेंड में, हार्डली दो सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ट्रिक नंबर फर्स्ट में क्या है कि मैं लेता हूँ कोई भी वर्ड 10 से लेके 30 तक, उनका मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, या मेरा वर्ड हो जैसे 11 × 11, 12 × 12, 13 × 13, 17 × 17, 18 × 18, कोई भी हो ऐसे मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने जानबूझ के अभी स्क्वायर वाले लिए, फिर मैं नॉन स्क्वायर वाले लूँगा। तो जैसे कि अगर मुझे बात करनी है 11 × 11, आप कहोगे सर इसमें मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मुझे तो ये आता है। बिल्कुल आपको ये तो आता है, पर क्या सारे आते हैं? नहीं ना। तो जिसको भी करना है तो उसके लिए किस तरह से एक मेथड होता है, इसको ये देखना है 10 से ये कितना बड़ा है, एक बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 11 और 1 कितना हो गया 12, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 1 × 1 = 121, आंसर आया। ये तो एक सिंपल था, इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम कर लेते हैं 13 × 13, 10 से कितना है 3 बड़ा है, 10 से बड़ा 3, दोनों को जोड़ो 16, दोनों का मल्टीप्लाई किया 19। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं। अब हम करते हैं 17 × 17, तो ये 10 से कितना 7 बड़ा है, ये भी 10 से कितना है 7 बड़ा है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, या इसको इससे जोड़ो, एक ही बात है, वो तो सेम नंबर है। तो 17 को 7 से जोड़ोगे तो क्या आएगा 24, और 7 × 7 जा क्या आ गया 49। अब देखना, हमारी सिंगल डिजिट थी तो हमने डायरेक्ट पुट कर दी थी, पर 49 क्या आ रहा है, टू डिजिट है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे इस तरह से और इसको कर देंगे ऐड 9, 8, 2, 8, 9। तो ये आ गया हमारा किसका, 17 का। ऐसे ही अगर हम बात करें 18 × 18, तो ये कितना हो गया मेरा 18, 8 बड़ा, इधर भी 8 बड़ा, दोनों को अगर मैंने किया तो कितना आ गया 18 × 8, 18 + 8 कितना हो गया मेरा 26, और ये कितना हो गया 64, 4 × 2, 3, 3 × 4। तो ये तो हम सारे के सारे क्या हो गए, स्क्वायर्स हो गए। अब मैं कहूँ नहीं सर ये तो आपने सारे स्क्वायर वाले ले दिए, अब मैं क्या करता हूँ कुछ इस तरह के मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ 17 × 18, कोई भी है, कोई भी नंबर हो 17 × जब मैं 18 करूँगा, ये 10 से कितना बड़ा है 7, ये कितना बड़ा है 8, जोड़ो 25, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 56, टू डिजिट से, तो मैं यहाँ से लिखूँगा तो कितना आ गया 6, 0, 3, 0, 6, 17 × 18,
12 इंटू 18 कर देता हूँ, कितना 2 है, ये कितना 8 है, इसमें 12 में 8 जो दो जोड़ो या 18 में 2 जोड़ो, कितना आता है 20, 16, तो ये होगा 216। देखो हमने दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया 2 जीरोज का और उसको बहुत इजीली कर लिया, किसमें 10 से 30 के बीच में। अब 10 से 30 के बीच में आप कहोगे सर आपने 20 वाली लाइन का तो कोई भी एग्जांपल नहीं लिया, अब हम 20 वाली लाइन का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 20 वाली लाइन का लेता हूँ तो मैंने जैसे ले लिया क्या 27 इंटू 27, 10 से कितना बड़ा है ये 17, 10 से कितना बड़ा है 17, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 44, और अगर हम करें 17 इंटू 17 क्या आया था मेरा 289, कर दो तीन डिजिट आ गई 289, 9, 2, 6 और 7 आया 27 इंटू 27 का। अगर मुझे क्या करना हो 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना है, 22 इंटू 22 ये क्या होगा 12, ये कितना बड़ा है 10 से 18, दोनों को जोड़ा कितना आया 14, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 18 कितना आ रहा है मेरा 216 आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो 10 से लेके 30 के बीच में कोई भी मल्टीप्लीकेशन करना हो तो उसमें हमारी ये वाली ट्रिक लगाओ, ट्रिक नंबर 1, जिसमें क्या करना है कि दोनों को देखना है 10 से बड़ा कितना है, इधर से दोनों जोड़ देना है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इन दोनों का होना है मल्टीप्लीकेशन, और ये इसमें जोड़ो या इसमें जोड़ो बात एक ही है, इसलिए हमारा आ गया। अब देखते हैं हम इसमें ट्रिक नंबर 2, तो ट्रिक नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ये जो हमारी ट्रिक नंबर 1 थी ये 10 से 30 तक इजली थी, होने को तो ये बहुत और भी हो सकती है, बट उसके अंदर हमें चाहिए क्या कि वो वैल्यू हमारी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लीकेशन उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उसके लिए मैं थोड़ी सी स्पीड के लिए दूसरी ट्रिक बताने वाला हूँ। अब है मेरी ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 है कि अगर मेरा वर्ड 100 से लेके 120 तक है, 3 डिजिट्स का है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करेंगे हम। जो अगर मेरा 2 डिजिट का इसका है तो मैंने ले लिया जैसे 104 इंटू 108 ले लिया, ये कितना बड़ा है मेरा 400 से, और ये कितना बड़ा है मेरा 100 से 8, सेम चीज़ करनी है, दोनों को जोड़ो 112 और दोनों का मल्टीप्लाई 32। देखो जब हम उसमें कर रहे थे सिंगल डिजिट आ रही थी तो उसको डायरेक्ट लिख रहे थे, बाकी के डबल डिजिट को यहाँ लिख रहे थे, बट इसमें अगर डबल डिजिट आई है तो उसको ऐसे लिखोगे, 3 डिजिट आएंगी तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा और उसका एडिशन करूँगा। एक बार एग्जाम्पल और देख लेंगे, अब जैसे ले लिया मैंने 105 इंटू 107, 105 कितना बड़ा है 5, ये कितना बड़ा है 7, दोनों को जोड़ा 107 में 5 जोड़ो या 105 में 7 जोड़ो एक ही बात है, तो ये हो गया 112, 75 35 हो गया। इसके बाद देखता हूँ मैं एक ऐसा ले लेता हूँ, मैं 112 इंटू 108, तो ये कितना बड़ा है, इसमें भी मेरा क्या है कि सेम आ जाएगा 12 और ये जाएगा 8, कितना हो गया 120, 12 8 96, ठीक है। 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 100 से लेके 100 के बीच, 100 से 120 के बीच में, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया दोनों ही 110 से ऊपर की डिजिट ले ले, तो ये कितना हो गया मेरा 12, ये कितना हो गया मेरा 13। अब मैंने जब दोनों का किया तो ये दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 125। अब 12 इंटू 13 अभी हमने किया था, कैसे किया था 12 इंटू 13, ये कितना 2 था, ये 3, 15 और 6 156। अब यहाँ से हमको 156 ऐड करना है तो क्या आ जाएगा ये 566 12 656, है ना आसान, कितना हार्डली 2 सेकंड लग रही है। अगर अभी भी आपको अगर ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की।
अगर इसमें मैंने सेम नंबर है स्क्वायर निकालना है तो भी मैं स्क्वायर भी निकाल सकता हूँ कि मुझे जैसे इसका निकालना है 112 × 112 कितना है 12 है, कितना है 12 है, इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 124, और इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो इसमें आएगा 144445 1254। तो इस तरह से मैं बहुत इजीली इनको क्या कर सकता हूँ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हमारी ट्रिक नंबर थ्री, जो हमारी ट्रिक नंबर थ्री है। ट्रिक नंबर थ्री क्या कहती है हमारी, कि अब मैंने बात कर ली 10 से 30 के बीच में, बात कर ली 100 से 120 की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ 80 से लेके 100 तक। अगर मेरा कोई वर्ड है, जैसे मैं बात करूँ 95 × 96 मैंने किया, ये 100 से कितना लेस है 5, ये 100 से कितना लेस है 4, दोनों का मल। अब मैंने उसमें क्या कर रहा था, एडिशन कर रहा था, इसमें मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब मैं 96 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूं या 95 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 20, 9120। उसके बाद मैंने ले लिया 94 × 97 कितना है 94 × 97। जब मैं 94 × 97 करूंगा तो मेरा ये कितना लेस है, ये 6, ये कितना लेस है 3। अब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है 91, या 94 में से 3 करता हूँ तब भी मेरा कितना आ रहा है 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ रहा है 18, 9118। अब मैं ले लिया 93 × 96 कितना लेस है 7, कितना लेस है 4, ठीक है। इसमें से 96 में से 7 लेस करो या 94 में से 93 में से 4 लेस करो तो क्या आता है 89, दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो आया कि नहीं आया। तो कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, अब कहोगे सर ये तो आपने सब 90 की सीरीज के ले लिए, अब मैं ले लेता हूं 88 × 93, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया मेरा 12 लेस है, ठीक है। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा कितना आता है 81, और इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या आएगा 84। तो देखो कोई भी नंबर हो 80 से लेके 100 के बीच में, आप ये वाली ट्रिक करो, 100 में से माइनस करो, उसके बाद दोनों में से देख लो कि माइनस करके सेम वैल्यू आती है, 95 में से 4 कर रहे हैं तब भी 91 आता है, 96 में से 5, दोनों में डिफरेंस ये है, जो 100 से ऊपर कर रहे थे हम एडिशन कर रहे थे, और 100 से नीचे वाले में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हमने क्या कर दिया 99120, तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 पर। ट्रिक नंबर 4 हमारी एलिजिबल होगी 80 से लेके कहाँ तक 120 तक। 80 से लेके अगर 120 तक कोई मेरा नंबर है, 80 से लेके 120 तक अगर कोई मेरा नंबर है, कोई एक नंबर लेस देन हो गया, एक नंबर मेरा ग्रेटर देन हो गया, मैंने बात कर ली कि 95 × 104 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से ऊपर वाली बात चल रही, 100 से नीचे वाली बात चल गई, तो अब मैंने क्या करा, दोनों केस ले लिए, एक वर्ड मैंने 100 से नीचे ले लिया, एक 100 से ऊपर ले लिया, तो जो मेरा 100 से नीचे है तो 100 से नीचे कितना है मेरा 5, ये मेरा 100 से बड़ा कितना है 4। अब देखो 104 में मैं अगर 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वह ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरा 104 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आता है 99, और 95 में से मैं अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सॉरी ऐड करता हूँ, तब भी मेरा कितना आता है 99। देखो एक में मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो बड़ा है उसमें तो मैं क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, तो देखो 95 और 4 कितना होता है 99, या 104 में से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तब भी कितना आ रहा है मेरा 99, दो जीरो लगा देनी है, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 9880। इसके बाद और भी मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 97 × ले लिया मैंने 104, 97 × 104 कितना लेस है 3, कितना है 4, अब 104 में से मैं
3 को सब्ट्रैक्ट करूं या 97 में मैं 4 को ऐड करता हूं तो कितना आएगा मेरा 101 डबल सॉरी हाँ 101 फिर डबल जीरो लगा दी, दोनों में से मैंने किसका मल्टीप्लीकेशन क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यह क्या आ गया 8, ये आ गया 7, 000, 100, 7, 8, 10 में से ढोके तो ये आ गया हमारा 100, 7, 8। अब कुछ और मल्टीप्लीकेशन है अगर मुझे करना है, जैसे 112 इंटू 88 कितना हो गया, ये कितना बड़ा है मेरा 12, ये कितना है मेरा 12 लेस है, ठीक है। अब मैं इसमें से 88 के अंदर क्या करूं, 12 ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा 100, और या फिर मैं 112 में मैं 12 सब्ट्रैक्ट करता हूं तब भी मेरा क्या आ जाएगा 100, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है -144, तो कितना आ जाएगा 6, 5, 9, 9, 9, sorry, 9, 8, 5, 6 कितना आ जाएगा 9, 8, 5, 6, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से मैं अगर कोई भी मेरा 80 से लेकर कहाँ से 80 से लेकर 120 के बीच में है और उनका मल्टीप्लाई करना है तो उसमें से मुझे क्या करना है, देखना है 100 से नीचे कौन सा वाला है, 100 से ऊपर कौन सा वाला है, जो 100 से बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रॉस को, तो 104 में से 5 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा 99, और अगर मेरा 100 से नीचे वाला है उसमें मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा, तो 95 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो क्या आ रहा है 99। ये चेक कर लेना कि दोनों के क्रॉस में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी वैल्यू बराबर आ रही है, इस मतलब वो सही है, तो 99 इस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक वैल्यू हमारी क्या है 100 से छोटी है। इसके बाद हम आते हैं ट्रिक नंबर 5 पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और यह इंपॉर्टेंट ट्रिक ये किसके लिए, बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनमें काम आती है। अब बाकी के रिमेनिंग नंबर्स में इस वाली ट्रिक को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली तो यूनिट्स प्लेस पर, यूनिट प्लेस प्लेसेस का सम, यूनिट प्लेसेस का सम कितना होना चाहिए 10, और टेंस प्लेस है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब किस तरह से, जैसे अगर मैं कहूँ 25 इंटू 25, देखो मेरा टेंस प्लेस 2 और 2 दोनों सेम है और दोनों का सम क्या है मेरा 10, ये भी हो सकता है 24 इंटू 26, 35 इंटू 35 भी हो सकता है, 44 इंटू 46 भी हो सकता है, 42 इंटू 48 भी हो सकता है, 62 इंटू 68 भी हो सकता है। तो मेरा टेंस तो प्लेस तो क्या है दोनों का सम 10 है, 10 उसका यूनिट प्लेस का, और जो टेंस प्लेस है वो दोनों के दोनों क्या है मेरे सेम होने चाहिए। कंडीशन पता चल गई कि हमारी जो दाही वाला है वो तो दोनों का सेम होना चाहिए और जो इकाई वाला अंक है वो हमारा उसका सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। अब ये 5 5 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, 3 7 भी हो सकता है, 2 8 भी हो सकता है, कोई भी हो, पर हमारा पहले टेंस प्लेस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, जैसे कि मैं बात करूँ 25 इंटू 25, हमारा इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो पहले, 5 5 25, और इस वाले वर्ड में एक जोड़ दो, क्या कर दो एक जोड़ दो, कितना हो गया 625। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है कि नहीं होता, अब कहो नहीं सर मुझे 44 इंटू 46 करना है, 44 इंटू 46 दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया 24, इसमें मैंने क्या किया एक ऐड किया तो क्या हो गया 5 4 5 20, ठीक है। अब मैं बात करूं 62 एंड 68 की, 62 इंटू 68, तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा 8 2 16, और ये कितना हो गया 6 7 42, ऐसे ही है कि कोई भी नंबर हो पर उसमें कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, जो इकाई वाला अंक है उनका सम तो 10 होना चाहिए और जो दाई वाला अंक है मतलब टेंस प्लेस है वो हमेशा मेरा सेम होना चाहिए इस ट्रिक के अंदर, तब तो हम इसका बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है मैंने बता ही चुका हूँ कि पहले वाले वर्ड में
क्या है कि एक ऐड करना है और लास्ट वाले डिजिट का दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और पहली वाले में ऐड करके उसका भी मल्टीप्लाई कर देना। अब हम बात करेंगे हमारी ट्रिक नंबर 6 के बारे में। जो ट्रिक नंबर 6 है वो आपको किसी भी चैनल पर या कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही मैंने अलग ट्रिक है, अभी आज ही बनाई है। तो इस ट्रिक के बारे में कैसे है कि अगर कोई वर्ड ऐसा हो 35 × 45, मतलब जिनका लास्ट में तो 5 हो और आगे की वैल्यू कोई भी चेंज हो, जैसे कि भाई 35 और 45 हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए किस तरह से करोगे, जो हम हमारी ट्रिक नंबर 5 में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 5 × 5 = 25, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। और उसमें भी हम एक नंबर से बढ़ा के कर रहे थे, तो एक नंबर बढ़ाना किस में है, इसमें जो बड़ा वाला है, तो 3 × 5 = 15। आप सोच रहे हो आंसर आ गया, नहीं अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया वो देखना है कहाँ से, यहाँ से 3 और 4 में कितना है, एक डिफरेंस कितना है, एक का, उसमें 50 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसमें हमको 50 ऐड करना है, 1575। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, मैं ले लेता हूँ 45 × 65, 5 × 5 = 25। मैंने कहा बड़े वाले में बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28। अब दोनों में डिफरेंस देखना कितना, 2 × 50 मतलब 100, इसका मतलब हमें इसमें ऐड करना है 100, 2925। आया मजा, नहीं। अब देखो, अब मैंने ले लिया 75 × 35, 5 × 5 = 25 आ गया, 3 × 8 = 24। और उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखना है कितना है, 4 का डिफरेंस है, 4 × 50 मतलब 200, जोड़ दो 2625। तो देखो मैंने इतनी सारी ट्रिक्स आपको बता दी है, अगर इन सारी ट्रिक्स को आप अप्लाई कर देते हो तो मेरे को दावा है कि आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन है बहुत इजीली कर सकते हो, 2 डिजिट का और 3 डिजिट के भी कुछ तो आप कर सकते हो, बाकी के अगर इससे भी बड़े होते हैं तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसमें हम बात करेंगे वैदिक मैथ्स वगैरह के बारे में और उससे हम कैसे जो बड़े भी क्वेश्चन हैं उनको भी बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ और भी जो छोटी मोटी ट्रिक्स हैं वो भी मैं बता दूंगा। जैसे ट्रिक नंबर अगर मैं 7 की बात करते हैं तो ट्रिक नंबर 7 वो क्या कहती है, जैसे कि अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करा रखा है कोई भी 64 × 5, अगर 5 से हो 128 × 5, कोई भी वैल्यू जिसको 5 से मल्टीप्लाई करा हो तो क्या करना है हमको, 64 × 5 की जगह पे हम लिख लेंगे 10/2, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई तो हमें बहुत ईजिली आता है, तो इसको हम करेंगे 32 × 0, 3 × 0। सेम ऐसे इसको अगर मुझे उससे करना है तो 10/2 तो कितना होगा, 64 × 640। अगर यही चीज मल्टीप्लीकेशन 25 से किया गया है, जैसे कि 128 × ये दे दिया 25, तो उस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये 100/4, जब 100/4 की बात करते हैं तो ये कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, तो 3200। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन है वो भी आप बहुत इजीली ट्रिक से कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करोगे तो आपको थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, आपका टाइम बचाना है, तो हमको इस तरह से सीखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि सेम वर्ड तो नहीं हो पर दोनों का सम क्या हो, हमारा 10 हो रहा हो, तो 10 हो रहा हो, जैसे कि अगर मैं इसी के लिए बात करता हूं तो इसमें भी अप्लाई कर सकता हूं मैं, और उसमें भी कर सकता हूं, जैसे 32 और 28 दोनों का सम क्या है, 10 है, पर दोनों नियर बाई वैल्यू हैं, 43 × 43 = 37। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो जिनमें दोनों का सम तो क्या हो रहा, मेरा 10 हो और वैल्यू क्या हो, जस्ट एक बड़ी छोटी हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हमको किस तरह से करना है, जैसे 32 × 28 करना है, 32 × 28 वैसे मल्टीप्लाई करने लगे तो हमें दिक्कत होगी, तो हम क्या करें इन दोनों का, इसको मैं लिख दूँ 30 + 2, इसको लिख दूँ मैं 30 − 2, ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला, a² − b², तो ये कितना हो गया, 900 − 4, तो कितना हो गया, 896।
तो इस तरह से हम कुछ फॉर्मूले भी लगा सकते हैं और बहुत इजी तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, हमारे मल्टीप्लिकेशन को इतना फास्ट कर सकते हैं कि जिसकी कोई वो नहीं है। तो जिससे भी हमको क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे।